तो अपना अपना नाम बताओ। भाई मेरा नाम है गाइस लक्की। अच्छा आपका भाई? मेरा नाम है लक्ष्य चपराना। तो अभी क्या दिखाना चाहोगे हमारे तो दर्शकों? कुश्ती। कुश्ती, चलो भाई। तो देखो जी अभी कुश्ती होने वाली है दोनों के बीच में। चलो भाई बहुत बढ़िया। जो बच्चे अभी लगे हुए हैं प्रैक्टिस करने, एकदम वर्कआउट करने। और ये देखो छोटे बच्चे बड़े बच्चे तो सभी लोग जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। और इधर जो है कबड्डी वाला ग्राउंड बना रखा, मतलब यहाँ पर कबड्डी होती है। और भाई बैठने की सुविधा बहुत ही अच्छी की हुई है इधर। ये देखो आप जो आराम से बैठ के देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखो सीढ़ी वगैरह बनाई हुई है इस तरह से। ये देखो जी अभी बैठे नैतिक, बैठ के दिखा भाई कैसे मैच देखोगे बैठ के। राम राम जी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में। तो जी आज अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ये बनाया हमारे यहाँ पर स्टेडियम, अब से 3-4 साल पहले बना था, लेकिन इस ओपनिंग अभी 3-4 दिन पहले ही हुई है। और अभी इसके अंदर चलेंगे, दिखाएंगे आपको कि इसमें क्या क्या है और कैसा स्टेडियम यह है, क्योंकि मैं भी आज तक इसके अंदर तक नहीं गया हूँ। तो ये सामने स्टेडियम होगा, इसके बराबर में जो है धन सिंह कोतवाल जी का होमगार्ड सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर। और इधर आप देखोगे तो यहाँ पर ये सरकारी अस्पताल खुला हुआ है। तो गांव में बहुत ही अच्छी सुविधा है हमारे में, ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज़ बनी हुई है यहाँ पर। तो चलो सबसे पहले आपको स्टेडियम दिखा देते हैं अपने गाँव का, तो चलते हैं अभी अंदर। फाइनली जो है अभी नैतिक ने लगा दिया 26 धंधों में। चल भाई नैतिक बैठ। तो अभी हम दोनों चलेंगे जी स्टेडियम के अंदर, आपको दिखाएंगे स्टेडियम कैसा बनने वाला है, कैसा है अंदर इसका। और ये देखो छोटे छोटे बच्चे स्टेडियम में आया भाई, वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलो भाई अभी फाइनली जो है नैतिक लेके चल दिया है स्कूटी स्टेडियम की तरफ। देख सकते हो आप लोग काफी बड़ा वो उसमें बना हुआ है स्टेडियम ये। और जी ये आ गई अपनी स्कूटी, इधर बनी हुई है छोटी सी पार्किंग जहाँ पर जो है हम लगा सकते हैं अपनी स्कूटी को। और जी ये लो जी ये आ गई जी अपनी स्कूटी। चलो जी ये देखो जी अंदर से नज़ारा, और ये बच्चे आते हुए इस टाइम एंट्री होते हुए। और भाई ये देखो अंदर से कितना बड़ा एकदम, ये देखो जी क्या बात है। तो जी गांव में इतनी अच्छी सुविधा होते हुए अभी बच्चों को जो थोड़ा थोड़ा कम पता लगा है, अभी किसी को पता लगाया किसी को नहीं, लेकिन इसीलिए मैं वीडियो बनाना आया हूँ ताकि सभी पता लग जाए कि हाँ स्टेडियम जो है चालू हो चुका है। तो जी अभी जो है बच्चे ये देखो वर्कआउट कर रहे हैं। जय श्री राम भाई। ये देखो जय श्री राम भाई, जय श्री राम। तो बच्चों क्या क्या कर रहे हो भाई? प्रैक्टिस चल रही है, एक्सरसाइज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये देखो जी बच्चे लगे हुए हैं इस टाइम। अच्छा बच्चों एक बार अपना परिचय दे दो, पहले अपना नाम बताओ भाई। मेरा नाम है लक्ष्य चपराना। हाँ भाई। मेरा नाम है लक्की। मेरा नाम है हत्ती। मेरा नाम विक्की। मेरा नाम चीनू। अच्छा तो अब इसके बाद क्या करोगे भाई एक्सरसाइज के बाद में? योग। तो जी उसके बाद बच्चे दिखाएंगे योग। और भैया हमारे बच्चे जो है कुश्ती भी करते हैं जी, बहुत ही बेहतरीन वाली कुश्ती। तो देखो जी अभी कुश्ती होने वाली है दोनों के बीच में। चल भाई बहुत बढ़िया, आ लड़के चल चल बन के चल, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात, आराम से छोड़ने लग जा। ओ लड़के लगी में लगी 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 लगी, बहुत बढ़िया कुश्ती जी, बेहतरीन वाली एकदम। तो जी इतनी अच्छी चीज खुली है गाँव में, बहुत ही बढ़िया स्टेडियम जो बना है जी, बहुत ही अच्छा बना है। और ये देख सकते हो आप लोग सभी जो बच्चे अभी लगे हुए हैं प्रैक्टिस करने, एकदम वर्कआउट करने। और ये देखो छोटे बच्चे बड़े बच्चे तो सभी लोग जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। और इधर जो है कबड्डी वाला ग्राउंड बना रखा, मतलब यहाँ पर कबड्डी होती है, कबड्डी करा लो कुश्ती करवा लो, आप लोग कुछ भी करवा सकते हैं यहाँ पर। तो अभी बच्चों की जो है कबड्डी शुरू होने वाली है, वो भी आपको दिखाएँगे। और बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब कि कहना मतलब ये है सभी लोगों को आना चाहिए बच्चों को। और भाई बैठने की सुविधा बहुत ही अच्छी की हुई है इधर। ये देखो आप जो आराम से बैठ के देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखो सीढ़ी वगैरह बनाई हुई है इस तरह से। ये देखो जी अभी बैठे नैतिक, बैठ के दिखा भाई कैसे मैच देखोगे बैठ के एक बार। और भाई ये देखो अभी जो है नैतिक बैठ गया है, और अभी इस तरह से मैच देखते हैं यहाँ पर। ये देखो जैसे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और पंखे की सुविधा, ये देखो हर चीज़ की सुविधा दी हुई है, और एग्जो वगैरह लगाए हुए हैं ताकि भूखा ना बने, वो सब बाहर फेंक दे एकदम। और ऊपर से एक गैली ऊपर लगाई हुई है देखने के लिए मैच भी, देखे यहाँ से आप लोग देख सकते हो ऊपर से भी। और टीन वगैरह बहुत ही मतलब बढ़िया एकदम, और लाइट वगैरह की हर चीज़ की सुविधा यहाँ पर दी हुई है इस स्टेडियम में जो खुला है गाँव पांचली खुर्द में। और ये देखो बच्चों की जो इधर कबड्डी की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी।
और जी इधर जो है अभी बच्चों की योगा क्लास शुरू हो चुकी है। ये देखो ये उनके टीचर आ चुके हैं अभी योगा सिखाने बच्चों को। ये देख सकते हो आप लोग, अभी बच्चों की संख्या थोड़ी कम है लेकिन धीरे 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 संख्या बढ़ जाएगी बच्चों की भी। भाई ये थोड़ा बच्चों को इस तरफ थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। और हर चीज़ की सुविधा है हमारे स्टेडियम के अंदर, आपको गद्दे वगैरह मिलेंगे, सब कुछ जो है सरकार की तरफ से दिए हुए हैं, मैट वगैरह सब कुछ एकदम मतलब टोटली। बस ये है कि आप लोगों को घर से निकल कर आना पड़ेगा एक बार। और मैं आपको बता दूं कोई पैसा नहीं देना आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल एकदम। बच्चों एकदम आप आओ यहाँ पर करो एकदम बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सुविधा है, चाहे बारिश हो कुछ भी हो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम बहुत अच्छी मतलब टीम वगैरह सबको डली हुई है, पंखे वगैरह भी हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ भाई गर्मी लगेगी भपका उठेगा ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी एकदम। खिड़की वगैरह लगाई हुई है, खिड़की खोल सकते हो ताकि बाहर की जो हवा है वो अंदर आ सके, तो बढ़िया सुविधा लगी भाई एकदम। तो जी आप लोग आइएगा और इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ जी, अपने गाँव में कोई चीज़ खुलती है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए देखो सभी चीज़ को, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है। तो चलो जी ये वीडियो करते हैं यहीं ख़त्म, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।